अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, हाउ डू यू डू स्कूबी डू डू। तो भाई लोग, आज हम सुनने वाले हैं मुर्शिद का एक गाना, वो वाला जो बेसिकली अनरिलीज्ड है, जो मेरे को सुनने को आया। तो भाई ये गाना मैंने बहुत पहले सुन लेना था, लेकिन मेरे को होता कुछ अजीब सी चोल मची हुई थी कि नहीं सुनना, अनरिलीज्ड है, बलाना डिमकाना टीटो पार्टी ये चल रही थी। लेकिन बाद में मेरे को एहसास हुआ कि भाई एक अनरिलीज्ड सॉन्ग एक आर्टिस्ट खुद स्टेज में इतनी पब्लिक के आगे गा रहा है, तो उसको पता ही होगा कि भाई कैमरे लेके है। और मैंने जहाँ तक सुना कि किंग ने काफ़ी गाने जैसे गुमशुदा और भी एक दो गाने हैं जो ऐसे गाने जो MTV हसन में किए हुए थे, लेकिन वो फिर भी बने और रीमेक हुए या उन्होंने फिर से बनाया बने और सुपर हिट गए, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी एक और मिसाल है कि तलहा अंजुम द ग्रेट, आप जानते होंगे, ओबियसली जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते होंगे तो जान के तुम्हें बस तुम्हारे अंदर चुल है, तुम जानते हो। उसने कराची मेरा गाना मेरे ख्याल से अपनी एक इवेंट में मैं कहूँ या कोई ऐसी जगह जहाँ पे दोस्त यार मीटअप में कहीं ना कहीं वो गाया था, और वो गाना अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज़ होने से पहले आया था, ठीक है ना। तो लेकिन जब रिलीज़ हुआ तो अभी भी सुपर हिट है, 2-3 मिलियन मार चुका हुआ इजीली, ऑडियो ट्रैक तो समझ रहे हो। तो हमने कहा कि वाई नॉट, दिस इज़ आर सेक्सी बॉय। तो किंग लेजेंड, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला ये कुछ एल्बम में आना था या कुछ ऐसा आना था, ये मुझे भूल गया हुआ जो सीधी बात है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। तो किंग ने स्टेज पर किसी कॉन्सर्ट पर अपने गाना गाया लेजेंड, बिना टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग। मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर टेक्निकल लोडू जी, बिना टाइम जाया किए बाबा जी यस कमांडो। सब नाचते, अरे बाप रे बाप। ये गाना आया यार, अगर यही बीट रही ना मां चोट देगी बहन चोट। बादशाह, एक मिनट यार, एक मिनट मैं मिस कर गया हूँ। बादशाह हनी सिंह और शाउट आउट हो रहा है शादी राय मोहन। चीज़ की मेरे को ना समझ नहीं आती भाई, ये जरा ऑफ टॉपिक है लेकिन ये बात होनी चाहिए। मैंने जितने भी आर्टिस्ट देखे हैं ना, वो फिर रफ्तार हो कोई भी हो, रात के टाइम ऐनक पहन के कैसे इनको नजर आ रहा था सब कुछ बहन चुत। क्या कोई ऐसी ऐनक होती है कि वो बीच में से शीशा कुछ ऐसा निकल जाता है? काली ऐनक में कैसे तुझे क्राउड नजर आ रही है किंग भाई, कैसे नजर आ रही है? मेरे को नहीं समझ आती बहन चुत, इधर शीशे की ऐनक में तो मुझे नजर नहीं आ रही होती बहन। बड़ा देखो तजर्बे साइंस वाले करते हैं ये लोग। हाँ।
ये कब का है गाना भैंस 2020 में डाला है, ये कब का है, ये कॉन्सर्ट कब हुआ था, ये 2020 के अंदर ही हुआ था, ये ठोकरा ब्रो। बीट ना बदली यार। अवल अगर बीट बदल भी देगा ना तो मुझे पता है उसकी बीट बहुत कमाल की होनी है। किंग का जो प्रोडक्शन जो बीट पे होता है या प्रोडक्शन पे होता है वो बहुत कमाल किस्म का आर्टिस्ट होता है। लेकिन मैं कहता हूँ बीट ना बदली ब्रो, बीट बहुत मजे की है। ऑब्वियसली स्पीकर है और मैं भी स्पीकर से सुन रहा हूँ, एक फटी आवाज आ रही है लेकिन ना बदली। मैं कभी कॉन्सर्ट पे नहीं गया यार, पता नहीं क्यों मैं गया नहीं। कॉलेज में गया तो बैंचो वो उसमें क्या होता है यार, गवर्नमेंट कॉलेज में जब भी जाओ ना तो यूनियन बाजी होती है। हमारी यूनियन बाजी थी ज़रा मौलवी वाली, और वो मौलवी भी ऐसे थे, मेरे सारे दोस्त अपना गवर्नमेंट में काम होता था उन, क्योंकि फुटे मारने होते थे, फुटे समझते हो ना, बंट मार तो वो अपने काम निकालने के लिए जाते थे। तो भाई 4 साल चुद्दी है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो सीन था वहाँ पे। और ये सिर्फ मेरे कॉलेज में था, बाकी कॉलेज में ऐसा नहीं होता, यूनियन बाजी होती है ना ब्रो। अब कहीं जगह पे जैसे मतलब अगर कोई हिंदू है तो हिंदू अगर एक्सट्रीमिज्म में है तो वो मजहबी तौर पे या धर्म के हिसाब से है तो वो उस कॉलेज में नहीं होता होगा, वो नहीं होने देते भाई। उसी तरह मुस्लिम जिस कॉलेज में था उधर यूनियन बाजी जो थी ना वो एक मौलवी टाइप थी, तो वो वहाँ पे थी, तो टीटो पार्टी थी। तो मेरे को बड़ा शौक था कॉन्सर्ट हो, कुछ हो यार, इन्जॉयमेंट होती है, मनोरंजन होता है। बाकी सारे कॉलेजों में हो रही थी बहन, देख मेरी तरफ कहीं आतिफ आ रहा है तो कहीं अली जफर आ रहा है, कहीं कोई रैपर थे, कोई खैर रैपर तो नहीं आते थे, अब ये शुरू हुआ सीन, आर्टिस्ट आ रहे होते थे और गेस्ट और ये वो। और बहन चुद हमारे इतने बड़े बड़े ग्राउंड जिसकी कोई हद नहीं, मतलब एक ग्राउंड से दूसरे ग्राउंड पहुँचते हुए बहन चुद 2 पीरियड खत्म हो जाते थे, गवर्नमेंट था बड़ा, तो उधर मैच हो रहे होते थे तो दूसरे कॉलेज के हो रहे होते थे। मैं कल लन पे चढ़ गई किस्मत, जैनवन बात है भाई। तो लेकिन रात गई बात गई, बात ऐसी है कि कितना मज़ा आता होगा, एक वाइब आती है ब्रो। मतलब एक आर्टिस्ट को देखना, लाइव परफॉर्म करना और परफॉर्मेंस को देखना, मतलब एक जो दिखा रहा है और एक जो देख रहा है, दोनों का अलग ही वाइब होता है। सो हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है ये गाना सुपर हिट होगा, और ये पता नहीं क्या एल्बम के बीच में अब डालेंगे, क्या हिसाब करेंगे, लाइव एट DTU, अब पता नहीं DTU क्या है। तो भाई शाउट आउट तो इस बंदे को है जिसने ये वीडियो बनाई, मंजर साहिल भाई तेरे को शाउट आउट है, जेन्युइन बात है। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो में ब्रो, देखते हैं गाना कब आएगा। जहाँ तक मैंने सुना है ये गाना इसी साल आएगा, कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली एल्बम के बाद ही आएगा। मिलता हूँ आप लोगों को किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए 15 का इंतज़ार, सरप्राइज आएगा, बम यस कमान।